ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम लोगों ने इससे पहले पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन तक का स्टडी किया था। अब उसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है। आप PDF बुक में उसको जो है वो ओपन कर लें। सो डबल फर्टिलाइजेशन से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन जो होता है, इट इज़ द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़ होना, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। तो हम लोगों ने इससे पहले जो है वो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का जो है वो डेवलपमेंट स्टडी किया था। तो यहाँ पर मैं पहले जो है वो मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने देखा था कि मेल गैमेटोफाइट के अंदर जो है दो मेल गैमेट्स थे। ये वाला डायग्राम है उसका, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट में, तो यहाँ पर अपने को दो मेल गैमेट है। देखो यहाँ लिखा हुआ है मेल गैमेट्स, सो देयर आर टू मेल गैमेट इनसाइड द पोलन ट्यूब एंड बोथ ऑफ दीज टू मेल गैमेट दे विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेटोफाइट। तो अपना जो फीमेल गैमेटोफाइट का टॉपिक था उसके अंदर भी हमने देखा था, एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर भी हम देख सकते हैं या के फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर, ये यहाँ पर है अपना एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक है। तो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मिडल में जो सेल है, ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल, इसका नाम है सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये जो यहाँ पर बीच में जो सेल आ रहा है, ये वाला सेल, ये वाला सेल जो है इसका नाम है एग सेल। और ये साइड में जो है वो दो सिनर्जिड्स हैं। तो यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो अपना फर्स्ट मेल गैमेट होता है, दैट फर्स्ट मेल गैमेट विल फ्यूज़ विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, सॉरी द फर्स्ट मेल गैमेट विल फ्यूज़ विद द एग सेल एंड द सेकेंड मेल गैमेट विल फ्यूज़ विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये इस तरह से दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। वो प्रोसेस अभी हम लोग जो है वो आगे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। सो लेट्स सी आवर एक्चुअल डायग्राम डबल फर्टिलाइजेशन का। सो द डबल फर्टिलाइजेशन द डायग्राम इज शोन हियर। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो, समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स टेक द स्पेस हियर। ओके, सपोज ये है अपना एम्ब्रियो सैक और बीच में यहाँ पर है एग सेल, ये इस साइड में दो सिनर्जिड्स हैं, ये यहाँ पर तीन एंटीपोडल्स है और बीच में यहाँ पर अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, सो द डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये प्रोसेस जो है ये कैसे होता है, अपना पोलन ट्यूब है अपने पास में जो कि डेवलप होता हुआ आ रहा है, ये है पोलन ट्यूब, ये इस तरह से ऐसे, और ये पोलन ट्यूब के यहाँ पर टिप पर है ट्यूब न्यूक्लियस और यहाँ पर है दो मेल गैमेट। सो देयर आर टू मेल गैमेट्स हियर, वन एंड टू, दीज आर द टू मेल गैमेट्स। नाउ दीज टू मेल गैमेट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पर जैसे ही ये पोलन ट्यूब का जो टिप होता है ये यहाँ पर आता है, draw very another diagram, this is the embryo sac, egg cell, and these are the two side synergid cells, and this is the pollen tube ke andar apne do male gamete, ye first or second male gamete, yahan par ट्यूब न्यूक्लियस है। तो ट्यूब न्यूक्लियस का कोई फंक्शन नहीं होता है, ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट हो जाता है। अब इसमें ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट होने के बाद में
जैसे ही ये अपना टिप ऑफ द पोलन ट्यूब जो है यहाँ पर आता है, तो यहाँ आने के बाद में जो अपने सिनर्जिड सेल्स रहते हैं, ये सिनर्जिड सेल्स ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दे आर कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस। सो विद द हेल्प ऑफ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब, दिस इज़ द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब, ये टिप जो है ये अंदर कैप्चर हो जाती है। मतलब इवेंट कैसा होता है, इवेंट जो है वो यहाँ पर ऐसा होगा। ओके, सो फर्स्ट इसको हम लोग जो है वो थोड़ा सा रफ करते हैं और फिर आगे का डायग्राम देखते हैं। ये अपना ये एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स डिजनरेट हो जाते हैं तो उसको बार बार ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पे एग सेल है और ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं और ये बनते हैं सिनर्जिड सेल्स से। फिर इधर से अपना पोलन ट्यूब आ रहा है, ये है पोलन ट्यूब, सो दिस इज़ द पोलन ट्यूब। तो ये जो अपना पोलन ट्यूब आ रहा है, इसके अंदर यहाँ पर है इसके मेल गैम, फर्स्ट मेल गैमिट और सेकंड मेल गैमिट। तो अब फौरन ही यहाँ से जो फर्स्ट वाला मेल गैमिट है, ये वाला मेल गैमिट, ये जा कर के फ्यूज़ होता है एग सेल से। तो यहाँ पर ये एग सेल से फ्यूज़ हो जाएगा और सेकंड वाला जो मेल गैमिट होता है, ये गैमिट जो होता है ये फ्यूज़ होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पर है और फिर उससे फ्यूज़ होता है सेकेंड वाला मेल गैमिट, ये ऐसे। तो ये अपने बारी बारी जो है वो दोनों मेल गैमिट, दोनों फीमेल गैमिट से जाके फ्यूज़ हो जाते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ये वाला जो इवेंट है मींस जहाँ पर एग सेल जो है वो फर्स्ट वाले मेल गैमिट से फ्यूज़ हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग जो है टेक्निकली वी कॉल्ड एज द सिन गैमी, इसको हम लोग सिन गैमी भी बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड सिन गैमी। और सेकेंड वाला जो होता है, सेकेंड वाले को ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। अब उसको ट्रिपल फ्यूज़न क्यों बोलते हैं, उसको ट्रिपल फ्यूज़न इसके लिए बोला जाता है क्योंकि ये जो अपना एम्ब्रियो सैक होता है और यहाँ पर दो छोटे छोटे न्यूक्लियाय रहते हैं, दो न्यूक्लियस। तो जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर इंटर होता है, ये दोनों न्यूक्लियस जो है ना, ये दोनों भी आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर आने वाला जो मेल गैमिट का जो न्यूक्लियस रहता है, ये वाला जो मेल गैमिट का न्यूक्लियस जो इधर पोलन ट्यूब के थ्रू आ रहा है, ये वाला न्यूक्लियस आकर के इन दोनों से फ्यूज़ होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो है वो तीन न्यूक्लियाय रहते हैं, तो इसके लिए इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ दीज थ्री न्यूक्लियाय, ये जो पूरा ग्रुप रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फर्दर जब आगे डेवलपमेंट होती है तो ये PEN जो होता है, ये जाकर के आगे ये एंडोस्पर्म बनाता है। और यहाँ पर जो अपना फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ था, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट रहता है उससे जाइगोट बनता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग दोनों को मिला के, दोनों फ्यूज़न को मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इसमें पोलन ट्यूब की एंट्री के बेसिस पर, कि पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ से एंटर हो रहा है, उसकी बेसिस पर इसके तीन टाइप्स हैं। तो सबसे कॉमन साइट जो है वो पोलन ट्यूब के एंटर होने का, वो होता है माइक्रोपाइल। तो अगर पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर हो रहा है, यहाँ पर इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर हो रहा है, सो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इट इज़ कॉल्ड एज द पोरोगैमी, इसको हम लोग पोरोगैमी बोलते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर ना हो और वो चलाजा के थ्रू आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं ये डायग्राम में हम लोग, तो इस डायग्राम में हमको जो है वो अपना पोलन ट्यूब ये चलाजा वाले पोर्शन से आ रहा है। तो अगर चलाजा वाले पोर्शन से आ रहा है तो भी पहला फ्यूज़न जो है, फर्स्ट वाला मेल गैमिट जो है वो फीमेल गैमिट के यानी एग सेल से फ्यूज़ होगा और दूसरा वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस से। मिडल में दो न्यूक्लियाय दिखाए हुए सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो ये चलाजा से अगर आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं चलाजोगैमी। और फिर ऐसे ही थर्ड चांस भी है, हो सकता है कि अपना जो पोलन ट्यूब है ये चलाजा से और माइक्रोपाइल से ना आए, ये कहीं मिडल से आ जाए, यहाँ पर मतलब ये अपने एनाट्रोपस ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक के मिडल में से आ जाए। तो ये वाला पार्ट इधर से भी आ सकता है और या के फिर इधर से भी इंटर हो सकता है। तो कहीं से भी अगर मिडल में इंटर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मीज़ोगैमी।
सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द साइट फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब इज इंटरिंग इन टू द एम्ब्रियो सैक. तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन. अब डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अपने एंजियोस्पर्म्स का. एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही देखने को मिलता है. दिस फिनोमिनन वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन टू प्लांट्स इन फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम बाय द साइंटिस्ट नेम्ड नॉशचिन. तो एस जी नॉशचिन नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसे इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था. सो दिस इज़ द डबल फर्टिलाइजेशन. नाउ वी विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन. सो डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस यही है कि पहले फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस हम लोग देखते हैं. सो हियर सिग्निफिकेंस के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हम लोग देख सकते हैं. इट इज़ द यूनिक फीचर. सिग्निफिकेंस में फर्स्ट है इट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म. इट इंश्योर्स दैट द पेरेंट प्लांट इन्वेस्ट अ सीड विद अ फूड स्टोर ओनली इफ द एग इज फर्टिलाइज. मतलब कि अगर एग फर्टिलाइज होगा तभी जो है वो सीड बनेगा और सीड के सराउंडिंग में उसके लिए रिजर्व फूड आ जाएगा. तो एक तो ये कि सीड बनने का जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है. दूसरा है द डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट था डिप्लॉयड जो जाइगोट रहता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है. और जो अपना PEN बनता है मतलब जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होने के बाद में जो ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है जिसको हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं. दैट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इट डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म. वो आगे जाकर के फिर एंडोस्पर्म बनाता है. सो एंडोस्पर्म फिर एंडोस्पर्म क्या करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को डेवलपिंग जाइगोट को नरिश करता है मतलब उसको फूड देता है उसको खाता है. और जाइगोट एंडोस्पर्म को खा करके फिर वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है. तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं. और फर्टिलाइजेशन का एक और सिग्निफिकेंस यहाँ पर बताया हुआ है. It restores the diploid condition by fusion of haploid male gamete with haploid female gamete. मतलब कि fertilization होने से जो diploid ही रहती है means overall जो plant body रहती है sporophyte body रहती है वो diploid रहती है. तो वो diploid ही जो है वो return आ जाती है. So it restores the diploid condition. इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी. पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो अवॉइड होती है फिर भी कभी कभी कुछ प्लांट्स के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी आती है. पॉली एम्ब्रियोनी किसको बोलते हैं एक टाइम पे एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का रहना एम्ब्रियो सैक के अंदर. तो पॉली एम्ब्रियोनी अवॉइड होती है फर्टिलाइजेशन से डबल फर्टिलाइजेशन से. उसका फ़ायदा ये होता है कि सिंगल एम्ब्रियो बनता है और वो सिंगल एम्ब्रियो जो है अच्छा नॉरिशमेंट लेता है और फिर वो आगे चल करके एक प्रॉपर सीड के अंदर डेवलप हो जाता है. जो सीड के जो पार्ट रहते हैं रेडिकल और प्लूमोल उसमें डेवलप होता है. ओके सो हमने यहाँ पर जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा. अब उसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले जो चेंजेस हैं वो देखते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट जो दिया हुआ है पहला जो चेंज है वो है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. नाउ एंडोस्पर्म जो होता है ये बनता कैसे है. एंडोस्पर्म बनता है अपना जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ये सेकेंड वाले मेल गैमेट से फ्यूज़ होता है तो उससे बनता है. इसी को हम लोग जो है वो ट्रिपल फ्यूज़न भी बोलते हैं या सेकेंड फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं. सो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. अब ये एंडोस्पर्म जो है वो इसके डेवलपमेंट के बेसिस पर इसके टोटल तीन टाइप हैं. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट. सो फर्स्ट जो टाइप है वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. नाउ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर न्यूक्लियाई डिवाइड होते हैं. इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता. जैसे सपोज कर लो दिस इज आवर एम्ब्रियो सैक. अब ये एम्ब्रियो सैक के बाद में दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियस जो कि PEN है मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है. अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड होता है और ये डिवाइड होता है और ये पूरा जो एम्ब्रियो सैक होता है उस एम्ब्रियो सैक के अंदर ऐसा फिल हो जाता है. सो देयर आर मेनी न्यूक्लियाई फिल्ड इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. तो ऐसे अगर कंटिन्यू बहुत सारे न्यूक्लियाई बन रहे हैं. अब इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीज़न कंटिन्यू होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न नहीं होता. मींस द कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीज़न जो होता है इट इज़ नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. सो न्यूक्लियर डिवीज़न इज़ नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. ऐसा होता है इसमें. इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. नाउ ये जो एंडोस्पर्म है ये सबसे कॉमन है. ज़्यादा करके एंजियोस्पर्म प्लांट में इसी टाइप का एंडोस्पर्म बनता है.
कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है कि उसके अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। तो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि अंदर जो है ये ऐसे सेल्स बने हुए रहते हैं, मतलब वहाँ पर न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में फिर उसके वॉल फॉर्मेशन भी होता है, मतलब पूरे ओवरऑल ये सब सेल्स हैं। सो यहाँ डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म में, तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये वाला डायग्राम, इसके अंदर ये सारे के सारे जो है ये सेल्स हैं, और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में ये जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे ये जो डॉट डॉट दिखाया है ये सारे के सारे न्यूक्लिया है। सो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होता, और इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद में साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होता है। एक तीसरी रेयर कैटेगरी है एंडोस्पर्म की, और ये जो कैटेगरी है ये है हेलोबियल एंडोस्पर्म की। हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है ये ज़्यादा करके मोनोकॉट के अंदर देखने को मिलता है, एक ऑर्डर है मोनोकॉट में हेलोबिया ऑर्डर, उसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये इसका जो डेवलपमेंट होता है ये डेवलपमेंट जो है ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह ही होता है, मतलब जैसे सपोज कर लो ये अपना एम्ब्रियो सैक है, अब ये एम्ब्रियो सैक में जैसे ही अपना जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ये सपोज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, PEN डिवाइड हुआ, जब ये डिवाइड होता है तो इसके डिवाइड होने के बाद में बीच में से यहाँ पर ना एक ऐसे पार्टीशन या एक वॉल फॉर्म हो जाती है। अब उसके बाद में यहाँ पर और ये दोनों चैम्बर्स में, दोनों पार्टीशन वाले पार्ट में जो डेवलपमेंट है, जो डिवीज़न है, ये इंडिपेंडेंटली कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये भी सारे के सारे न्यूक्लियाई हैं, ये सब न्यूक्लियाई हैं, ये ऑल दीज आर द न्यूक्लियाई। तो ये सारे न्यूक्लियाई दो अलग अलग चैम्बर्स में, दो अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बस बीच में से यहाँ पर ये वॉल फॉर्मेशन हो गया है। तो ये ऐसा एंडोस्पर्म जो होता है, यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये वाला डायग्राम में, इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम लोग बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। कोई भी टाइप का एंडोस्पर्म हो, एंडोस्पर्म का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है डेवलपिंग जाइगोट को नरिश करना, मीन्स उसको न्यूट्रिशन देना और उसको कन्वर्ट करना पूरे फुल फॉर्म्ड एम्ब्रियो के अंदर। ओके, सो दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ डायकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो यहाँ पर डायकॉट और मोनोकॉट दोनों एम्ब्रियो के जो है वो डेवलपमेंट यहाँ पर शो किए हुए हैं, वो अभी हम लोग देखते हैं। ओके, सो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज शोन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। एक्चुअली द डायग्राम विच इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक, इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट डायग्राम, वी विल सी दैट डायग्राम ऑल्सो। तो यहाँ पर भी देखो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम है, तो इसके लिए इसके थ्रू हम लोग जो है पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ द एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है जो कि न्यूली फर्टिलाइज्ड है। सो दिस इज़ द न्यूली फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर PEN है, PEN तो आगे जा करके जो है वो एंडोस्पर्म बना लेता है, और इसके अंदर यहाँ पर जो है ये मिडल में जो डार्क रेड कलर वाला जो सेल है, इट इज़ द जाइगोट जो कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, इसको बाहर निकाला गया है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड है और नीचे यहाँ पर चलाजल एंड है। अब इसमें जो है सबसे पहले माइटोटिक डिवीज़न होगा, यहाँ पर अभी ऑनवर्ड आगे जितने भी डिवीज़न होंगे सब माइटोटिक डिवीज़न होंगे, सब माइटोसिस होगा। तो जो फर्स्ट डिवीज़न होगा वो यहाँ पर ट्रांसफर्स होगा, मीन्स ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ पर एक लाइन शो की हुई है, सो ये डिवाइड होगा, एक बड़ा सेल बनेगा जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल रहेगा, दैट सेल इज़ कॉल्ड एज द सस्पेंसर सेल, और जो चलाजल एंड की तरफ जो सेल रहेगा इट इज़ कॉल्ड एज, जो छोटा रहेगा, एम्ब्रियोनल सेल। नाउ अब ये सस्पेंसर और एम्ब्रियोनल सेल दोनों जो है वो अपना अपना जो है वो डिवाइड होंगे, इंडिविजुअली डिवाइड होंगे, और इनका जो डिवीज़न रहता है वो पेरिक्लिनल रहता है। पेरिक्लिनल का मतलब एक के ऊपर एक डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर कलर स्कीम को फॉलो किया हुआ है, सस्पेंसर सेल को यहाँ पर जो है वो ऑरेंज कलर से शो किया है। सो दिस सस्पेंसर सेल इट कंटिन्यूसली फॉर्म द लीनियर ग्रुप, टोटल यहाँ पर जो है वो 8 or 9 सेल्स जो है वो यहाँ पर फॉर्म होंगे। यूजुअली जो है वो 8 सेल्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं ऊपर, और एम्ब्रियोनल सेल्स से जो है बहुत सारे सेल्स फॉर्म होते हैं। तो एम्ब्रियोनल सेल के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, और यहाँ पर ये ऊपर जो लीनियर स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज द सस्पेंसर। सस्पेंसर सेल का जो फर्स्ट सेल होता है ये वाला सेल थोड़ा बड़ा रहता है, दिस इज़ कॉल्ड एज द हॉस्टोरियम सेल, और जो लास्ट वाला सेल रहता है यहाँ वाला जो लास्ट सेल है दिस सेल इट इज़ कॉल्ड एज द हाइपोफाइसिस सेल। तो इसमें जो हॉस्टोरियल सेल रहता है इसका काम होता है ये क्लिंच करना, मीन्स पकड़ के रखना, और
कंटिन्यूसली ये पेरिकलिनल डिवीज़न होने की वजह से ये पुश करता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो को, दिस पार्ट को, कि ये एंडोस्पर्म के नज़दीक जाए. सो एज इट गोस नियरर टू द एंडोस्पर्म इट फीड्स ऑन द प्री फॉर्म्ड एंडोस्पर्म. थोड़ा एंडोस्पर्म पहले से ही फॉर्म हो चुका रहता है, ये उसके ऊपर फीडिंग करता है, और फिर बाद में ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो होता है ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है हार्ट शेप एम्ब्रियो के अंदर. सो यहाँ पर ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है. एक बार हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाता है तो ऊपर के जो सस्पेंसर सेल्स रहते हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट होते हैं. अब ये सस्पेंसर सेल्स के डीजनरेट होने से पहले जो लोअर पार्ट है, मतलब जो हाइपोफाइसिस का पार्ट होता है, ये वाला जो सेल है हाइपोफाइसिस, सो ये हाइपोफाइसिस और उसके ऊपर के तीन सेल्स और ये आगे जाने के बाद में दे फॉर्म द रेडिकल पार्ट, रेडिकल बनाते हैं. और ये जो हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज़ कॉल्ड कॉटिलेडॉन. तो रेडिकल और कॉटिलेडॉन बनाने का काम करते हैं, और एट में से ऊपर के जो चार सेल्स रहते हैं वो प्ल्यूमोल बनाते हैं, प्ल्यूमोल बनाते हैं और एपिकोटाइल बनाते हैं. तो ये ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बनता है. लेटर ऑन जो भी बचे हुए सस्पेंसर के सेल्स रहते हैं डीजनरेट हो जाते हैं, और ये जो कॉटिलेडॉन रहता है दिस कॉटिलेडॉन इट ट्विस्ट इटसेल्फ. अगर ये डायकॉट एम्ब्रियो है तो यहाँ पर जो है वो दो कॉटिलेडॉन फॉर्म हो जाएंगे, और अगर ये मोनोकॉट है तो सिंगल कॉटिलेडॉन. और ये जो इसका अपर पार्ट है इट फॉर्म्स द रेडिकल, और इसका जो बेसल पोर्शन है इट फॉर्म्स द प्ल्यूमोल, एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड एज द मैच्योर एम्ब्रियो. अब ये मैच्योर एम्ब्रियो जो है ये सीड के अंदर आ जाएगा, बाद में जब डेवलपमेंट होगा तो फिर इसी से रेडिकल से जो है वो रूट बनेगा और प्ल्यूमोल से फिर शूट सिस्टम बनेगा. सो यहाँ पर हम लोग जो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हमने देखा. अभी हम लोग जो है वो अपने टेक्स्ट बुक वाले डायग्राम से, ओके सी ऑन आवर टेक्स्ट बुक जो डायग्राम दिया हुआ है द डायग्राम इज़ गिवन सेपरेटली फॉर मोनोकॉट एंड डायकॉट. तो मोनोकॉट और डायकॉट का जो है वो सेपरेट डायग्राम दिया हुआ है. ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ये डायकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम है. एग्जाम्पल है कैप्सेला. कैप्सेला एक सीड बियरिंग प्लांट है एंजियोस्पर्म, तो उसका कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर के उसको एक्सप्लेन किए. सो यहाँ पर जो ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं दीज अल्फ़ाबेट्स दे आर द डिफरेंट पार्ट्स. ये डिफरेंट पार्ट्स हैं अपने एम्ब्रियो के, और इसकी जो की है वो की यहाँ पर तुमको अपने को यहाँ पर बुक में हम साइड में लिखी हुई है. तो ये इतने सारे नाम याद रखने की तो ऐसे ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक है हमने जो प्रीवियस डायग्राम में देखा था वही बेसिक स्ट्रक्चर्स याद रखना है हमको. तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न यहाँ इसके अंदर दिखाया हुआ है ए वाले डायग्राम में. नाउ इन दिस पहला जो डिवीज़न होता है ट्रांसवर्स, तो एक ऊपर का स्ट्रक्चर, एक ऊपर का और एक नीचे का सेल बन रहा है. उसके बाद में फिर वो सेल्स जो है फिर पेरिक्लिनल डिवीज़न शो कर रहे हैं और पूरा एक सस्पेंसर बना रहे हैं, ऑक्टेंट सस्पेंसर, और बाद में एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन रहा है. वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो डिवाइड हो रहा है, फिर यहाँ पर ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बन रहा है, और फिर बाद में हॉस्टोरिया जो है वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा, और बाद में हार्ट शेप वाला जो एम्ब्रियो रहेगा ये थोड़ा इसके अंदर ऐसे टर्निंग होगी, और इसकी टर्निंग से फिर फाइनली कॉटिलेडॉन बनेंगे. तो डिपेंड करेगा, अगर मोनोकॉट है तो मोनोकॉट के अंदर हमको जो है वो सिंगल कॉटिलेडॉन देखने को मिलेगा. यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, दिस इज़ द कॉटिलेडॉन ऑफ मोनोकॉट, और ये ऊपर जो है यहाँ पर ये पूरा डायकॉट का है. तो ये इतना ही याद रखो बेसिक इसके अंदर. ओके, सो अप टू दिस हम लोगों ने जो है वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो तक का हमने कंप्लीट किया है. नाउ अभी इसके आगे जो टॉपिक है दैट टॉपिक रिमेन इट इज़ द सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, मीन्स सीड और फ्रूट जो है वो कैसे डेवलप होता है, और टाइप्स ऑफ सीड हम लोग जो है फिर देखेंगे उसके बाद में. सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, थैंक यू.